हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है री? चलो सभी का हाल चाल बढ़िया ही होना चाहिए। तो सर मैं एक छोटी सी वीडियो यहां पर रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। अब जिन जिन बच्चों ने भी 7000 का एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन बैंक लिया सर, ये वीडियो उन सब बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो प्लीज प्लीज प्लीज, चाहे वो मेरे लक्ष्मीनगर के बच्चे हैं, चाहे वो पटेल नगर के बच्चे हैं, चाहे ऑल ओवर इंडिया मेरी सीएस फैमिली का कोई भी बच्चा है कि जिसने 7000 एमसीक्यूज की बुक जो मैंने निकाली है, अगर वो सर आपने बुक परचेज की है या इवन मैंने क्लास में दी है, ये वीडियो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट काम की है, बस ये बात ध्यान देना। अच्छा, अब यहां पर ये वीडियो जो मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूं ना सर, उस वीडियो का मोटिव क्या पहले एक बार वो समझते हैं। अब सर आज से मेरे ख्याल से 15 दिन पहले मैंने एमसीक्यूज या एमसीक्यूज का ना क्वेश्चन बैंक मैंने निकाला था, उसके अंदर आपके जीएसटी के क्वेश्चंस भी हैं, आपके इनकम टैक्स के भी हैं, आपके मिक्स क्वेश्चन भी हैं, वो सारे क्वेश्चन आपके अप्रोक्सीमेट 6000 से ऊपर क्वेश्चन आपके उसके अंदर हैं। फिर मैंने कहा था कि आपने एक्सपर्ट बनो पर मैं मॉक टेस्ट डालूंगा, तो टोटल मिलाकर 7000 से ऊपर एमसीक्यूज होंगे जो हमें दिसंबर के लिए प्रैक्टिस करने हैं। अच्छा, अब सुना ध्यान से। अब यहां पर बच्चों के ना वो ये डाउट्स आ रहे हैं कि सर उसमें हमें कुछ क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं कि जैसे जो हम करते हैं ना, तो हमें लगता है कि वो आंसर में मिस्टेक है, इट मीन वो मे बी टाइपिंग एरर हो सकता है, वो मे बी प्रिंटिंग एरर हो सकता है, उस डाउट्स को हम कैसे सोल्व करें। तो काफी सारे बच्चों ने मुझे जिन बच्चों ने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी है, उन बच्चों के मेरे पास मैसेज आए थे, मैसेज इवन मेल पे भी आए हैं, व्हाट्सएप भी आए हैं कि फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लो सर ये सारे क्वेश्चन सही है बट इसमें 4-5 क्वेश्चन में मिस्टेक आ रही है, तो प्लीज ये 4-5 क्वेश्चन आप चेक कर लो कि कहीं इसके आंसर रॉन्ग तो नहीं है, क्योंकि हमें इसमें टाइपिंग एरर लग रहा है। तो वो सारे के सारे अब मैंने बस ये बनाया कि पूरी की पूरी सीएस फैमिली को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सर प्रॉब्लम क्या होती है, जब भी बुक बनती है, देखो मैंने रिव्यू करके देख दी, तो कई बार कहता है कि अगला जब प्रॉब्लम जब हमारा स्टाफ इसको टाइपिंग करते हैं ना, तो वो टाइपिंग करने में कई बार दिक्कत आ जाती है। फॉर एग्जांपल मान लो बी की जगह उसने डी गलती से लिख दिया या डी की जगह सी लिख दिया, हर क्वेश्चन में गलती नहीं होती, बट मान लो फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर में 4-5 क्वेश्चन कई बार ऐसे हो जाते हैं कि जहां जहां पर जगह जगह पर कई बार उसने मिस्टेक हो सकती है। अब वो प्रॉब्लम क्या है, वो मिस्टेक मुझे तो पता है बट वो स्टाफ को नहीं पता, उसने जो उसको लगा टाइप उसने वो कर दिया। अब बच्चा वो डाउट मुझसे पूछता है, तो वो डाउट्स का मैं रिप्लाई कैसे कर पाऊं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ सकते हैं, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने सर बुक्स परचेस की है, तो उन सबके लिए मैंने यहां पर एक वीडियो बनाने के लिए मैं जा रहा हूं यहां पर। अब जो भी आपके जिन्होंने भी एमसीक्यूज बुक परचेस की है ना सर, मैं उनके चैप्टर वाइज जो है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स, फिर हम स्टार्ट करेंगे जीएसटी। तो आपके चैप्टर वाइज में यहां पर जिन जिन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं एक बार रिव्यू कर रहा हूं, और वन बाय वन जहां जहां पर डाउट्स होंगे, वो सारे डाउट्स होंगे ना, मैं आपको यहां पर बताऊंगा। इट मीन जिन जिन क्वेश्चन आपको लग रहा है कि वो टाइपिंग एरर है, तो प्लीज आपने मुझे वो भेजने हैं, बहुत सारे बच्चों ने मुझे भेज दिए हैं, और मैंने पहले भी कहा था सर प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप मत करना, क्योंकि व्हाट्सएप में कई बार चेक नहीं कर पाता। तो आपको मैंने कहा था कि iVidyaDoubts@gmail.com पर जिस क्वेश्चन में आपका डाउट्स आएगा, वो क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लेके या उसकी फोटो लेके आप मुझे वहां पर भेज देना, मैं 100% आपका रिप्लाई करूंगा। अच्छा, अब सुना ध्यान से। अब जितने बच्चों के अभी तक डाउट्स आए हैं वो अलग अलग चैप्टर में, कई बच्चों के जीएसटी में है, कई बच्चों के इनकम टैक्स में है, जो बच्चे प्रैक्टिस करें जिनके एग्जाम दिसंबर में है। अब मैं जो यहां पर ये सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूं ना सर, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स से। इट मीन्स आज के सेशन में हम टोटल 3 चैप्टर डिस्कस करेंगे, एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट का, एक आपका रेजिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर हो गया, और एक आपका हो गया हाउस प्रॉपर्टी का। तो इन तीनों चैप्टर में जिन जिन क्वेश्चन में भी आपकी मिस्टेक्स हैं, वो सारी बातें मैं आपको यहां पर क्लैरिफाई करूंगा। उसके अलावा ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सही होंगे, अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट्स आ रहा है तो प्लीज आप मुझे मेल कर दोगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैंने रिव्यू कर लिए हैं, वन बाय वन मैं रिव्यू करूंगा सर, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, स्टाफ की गलती भी मुझे ही सुधारनी है, तो मैं सारे क्वेश्चन दोबारा से रिव्यू कर रहा हूं। अब जो यहां पर बताऊंगा वो तो आपने आंसर वो सही कर लेने हैं, उसके अलावा सारे आंसर सही हैं, फिर भी आपको किसी और क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो प्लीज आप मुझे मेल करोगे, ताकि उस क्वेश्चन को वेरीफाई करेंगे आंसर वो सही है या क्या है। ठीक है जी, इधर सुना ध्यान से। अब एक बार यहां पर चेक करो सर। अब सबसे पहले ये वाली वीडियो जो है ना, ये वाली वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने भी 7000 एमसीक्यूज की बुक परचेस की है। अब एक बार यहां पे चेक करना सर। अब मेरी पूरी फैमिली से रिक्वेस्ट है कि जिन जिन बच्चों ने बुक परचेस की है ना, जिन जिन बच्चों ने बुक परचेस की है वो एक बार यहां पर अब चेक करें सर। अब पहली बात तो ये, जिन बच्चों ने बुक परचेस किया मेरी उनसे रिक्वेस्ट है सर, ये वीडियो प्लीज हर बच्चे के पास शेयर कर देना, क्योंकि जिन जिन बच्चों के पास बुक्स हैं उनके लिए वीडियो बहुत काम आने वाली है। अच्छा, अब यहां पर जो भी आपने एमसीक्यूज की बुक परचेस की है सर, अगर आपके पास एमसीक्यूज की बुक को ना आपने देखा होगा, उसके पहले आठ सेट जो हैं वो तो हमारे जीएसटी एंड कस्टम के हैं। अच्छा, बच्चा ये बात कह रहा है कि सर उसमें तो आपने वो सारे क्वेश्चन मिक्स डाल दिए,
आपने चैप्टर वाइज तो डाले ही नहीं। अब सर आपके जीएसटी एंड कस्टम के जो क्वेश्चंस होंगे वो मिक्स मैंने इसलिए डाले हैं कि ताकि जब आपका जीएसटी कंप्लीट होगा उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, अगर वो मैं टॉपिक वाइज डालता ना फिर क्या होता कि आपको पता लग जाता इस टॉपिक में से ये क्वेश्चन है। अब क्या होगा, जब वो सारे क्वेश्चन मिक्स होंगे आपका माइंड चलेगा, आपका माइंड अगर काम करेगा एग्जाम में क्वेश्चन सर मिक्स ही आने हैं। अब बच्चा ये बात करे सर अगर हमें चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने हैं वो हम कहां से करें। सर चैप्टर वाइज आपके जो भी मॉक टेस्ट होंगे ना, जो मॉक टेस्ट होंगे मैं आपकी यहां पर expert1.com पे यहां पर डाल दूंगा। expert1.com पे मैं चैप्टर वाइज भी डाल दूंगा, मिक्स भी डाल दूंगा, सारे टेस्ट पेपर वहां पर आपको देने हैं। बट यहां पर जो आपकी बुक्स में होंगे वो सारे के सारे जीएसटी के पहले क्वेश्चन आएंगे मिक्स। उसके बाद फिर आपने इनकम टैक्स देखा होगा सर, इनकम टैक्स के क्वेश्चन आपके चैप्टर वाइज भी हैं क्योंकि इनकम टैक्स आपका बहुत वाइड है तो मैंने वहां पर चैप्टर वाइज भी दी हैं और लास्ट के चार मॉक टेस्ट जो है वो इनकम टैक्स के मैंने मिक्स भी दी हैं। तो इट मींस इनकम टैक्स में आपके चैप्टर वाइज भी हैं, इनकम टैक्स में आपके लास्ट चार सेट जो है वो आपके मिक्स भी हैं और आपके पहले आठ सेट जो है वो जीएसटी के मिक्स हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज बैंक के अंदर दिए होंगे। उसके बाद फिर मैंने कहा था कि जो मैं मॉक टेस्ट होगा वो मैं चैप्टर वाइज अपलोड करूंगा। और सर बहुत सारे बच्चों का ना डाउट मेरे पास ये आ गया था मेल पे कि सर जो आपने मॉक टेस्ट डाले हैं उसके आप आंसर कब डालोगे। सर आपने अगर सुबह मेरी वेबसाइट चेक की हो एक्सपर्ट बनो वाली, तो मैंने ऑलमोस्ट काफी सारे टेस्ट पेपर के आंसर डाल दिए हैं। आप उसके आंसर चेक करो, आंसर में कोई गलती है तो मुझे बताओ। आपको जहां डाउट आ रहा है प्लीज मुझे मेल करो, आपको मैं दिखा देता हूं। एक बार चेक करना सर, ये आपकी एक्सपर्ट बनो की देखो आपकी वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट पर, जिन बच्चों को नहीं पता टेस्ट पेपर कहां पर है, एक्सपर्ट बनो की वेबसाइट पर जाओगे, यहां पर आपका देखो टेस्ट सीरीज वाला है, इसके आप मॉक टेस्ट पे क्लिक करोगे। अब जब मैं यहां पे मॉक टेस्ट पे क्लिक करूंगा ना तो ये सारे के सारे टेस्ट पेपर आपके सामने आ जाएंगे। अब एक बार चेक कर देखो, जीएसटी आपका टेस्ट पेपर वन, पहले मैंने ये डाला था, अब उसके नीचे देखो मैंने क्या लिखा है, जीएसटी टेस्ट पेपर वन विद आंसर बाय सी विवेक गवा। तो मतलब विदाउट आंसर भी है, विद आंसर भी है, देखो फिर विद आंसर विदाउट आंसर, फिर विद आंसर विदाउट आंसर, फिर विद आंसर विदाउट आंसर, मतलब सारे के सारे ऑलमोस्ट जो मैंने विद आंसर वाले डाल दिए। बाकी कुछ अभी यहां पर विदाउट आंसर वाले हैं उनके भी आंसर मैं एक या दो दिन में डाल दूंगा, तो प्लीज आपने आंसर चेक कर लेनी है। सर कोई भी डाउट होगा, कोई भी डाउट होगा मुझे ividyadoubts@gmail.com पर आप मेल करोगे। अच्छा एक बच्चा कल मुझे बोलता, सर आप रिप्लाई तो करते नहीं डाउट्स का। सर आपको बताओ जिन जिन बच्चों ने डाउट्स मुझे भेजे हैं आई विद्या के ऊपर, मैंने सबका रिप्लाई किया। देखो अगर आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डाल देते हो या मुझे व्हाट्सएप कर देते हो ना सर, बिलीव मी मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि वो इतने सारे मैसेज आते हैं मैं वहां पर नहीं चेक कर सकता। और स्पेशली मैंने आपके डाउट्स के लिए, आई विद्या doubts@gmail.com बनाई है ताकि पूरी की पूरी फैमिली मुझे वहां पर डाउट बोल दे। अब देखो मैं आपको दिखाता हूं सर, ये मेरी मेल आईडी है, ये मेरी आईविदा डाउट्स की है, आप चेक कर लो। ये सिर्फ चार पांच मेल मेरी अनरीड है और वो भी अनरीड क्यों है, देखो 3:12 पे ये अनरीड है। और आप सब जानते हो जिन बच्चों को पता है कि पटेल नगर में मेरी क्लास होती है सर, 2:30 से लेकर मेरी 5:30 तक तो क्लास ही होती है, उसके बाद फिर मैं यहां पर अभी रिकॉर्डिंग करने बैठा हूं, फिर मैं रात को जब 12:01 जब चेक करूंगा ना तब मैं आपके सारे रिप्लाई करूंगा। और अगर आपने चेक किया देखो उसके नीचे आपको ऑलमोस्ट हर मेल का रिप्लाई मिलेगा। सर मैंने सारे के सारे अभी तक जो भी आए आप चेक कर लो, सारे मैसेज मैंने रीड करके उसके रिप्लाई किए। तो सर मैं अपनी तरफ से पूरा बेस्ट आपको दे रहा हूं, सबको रिप्लाई कर रहा हूं और यहां पर रिप्लाई कर रहे हैं मुझे आसानी की होती है क्योंकि अगर मान लो मैं मेट्रो में जा रहा हूं, मेट्रो में आ रहा हूं, आराम से मेल का मैं रिप्लाई कर सकता हूं। और प्रॉब्लम क्या है, व्हाट्सएप में सर काफी सारे मैसेज आते हैं, वहां पे टाइपिंग में मुझे दिक्कत आती है, तो प्लीज वहां पर आप डाउट्स मत सेंड किया करो, जो भी आपके डाउट्स है ना वो सारे के सारे यहां पर भेज दो, मैं 100% ट्राई करूंगा आपका रिप्लाई करने की, ठीक है जी। अच्छा अब ये बात सुनो ध्यान से, अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि भैया आपका जो ये वाला है मतलब ये जो आपका एमसीक्यूज है उसके अंदर क्या क्या है। अच्छा अब यहां पर कुछ टाइपिंग और कुछ प्रिंटिंग एरर कुछ क्वेश्चन में हो सकते हैं चैप्टर वाइज, मान लो कोई भी आप क्वेश्चन कर रहे हो तो अगर आपको जहां भी डाउट है क्योंकि प्रॉब्लम का देखो 7000 MCQs है सर, अब 7000 MCQs के 7000 ही मेरी तरफ से तो सही हो सकते हैं बट जिस स्टाफ ने मान लो फॉर एग्जाम्पल आंसर मैंने टाइप करने के लिए दिए तो अगर उसने आंसर बी का डी कर दिया ना वो कई बार आपको दिक्कत आ सकती है। ऐसा हर क्वेश्चन में नहीं होगा क्योंकि प्रॉब्लम क्या है जब हम बाय चांस आंसर टाइप करते हैं ना तो होता क्या है सीक्वेंस करते 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 कई बार एक आधे क्वेश्चन में टाइपिंग एरर हो जाता है तो बच्चे को वहां पर डाउट आता है क्योंकि बच्चा सोचता है यार क्लास में तो हमने ये किया था यहां पर आंसर ये दिए, फिर बच्चा बोलता है कि सर इसके अंदर क्या है, तो फिर मैं बोलता हूं जो ही है जो आपने किया है, तो वो सारे कुछ एरर्स जो है उसको हम यहां पर बैठ के सही करेंगे। अच्छा अब यहां पर सुना ध्यान से, अब जितनी भी आपकी चैप्टर वाइज वीडियो होंगी वो मैं YouTube पे अपलोड करूंगा और जो भी आपके डाउट्स आएंगे वो आप डाउट्स कहां पर भेजोगे, ividyadoubts@gmail.com पर आपके डाउट्स भेजने। अब आओ जी एक बार यहां पर चैप्टर वाइज हम यहां पर चेक करते हैं।
इधर देखो ध्यान से, अब सबसे पहला चैप्टर सर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट का है, उसका एक क्वेश्चन नंबर 45 आप देख लेना जी। क्वेश्चन नंबर 45 में ना, एक बार मैं देख लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 45 में आपका आंसर दिया हुआ है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 45 नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 47, एक बार क्वेश्चन नंबर 47 में देखना। इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, सेस इज लेवियबल ओनली व्हेन टोटल इनकम ऑफ सच एसएससी ऑलवेज लेविड। आप सब जानते हो सर, सेस आपका ना हर केस में एप्लीकेबल होता है। अच्छा यहां पर लिखा है इरिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ इनकम, यहां पर ना लेवल ऑफ टैक्स आना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो अगर आपका टैक्स एक रुपए का भी आ रहा है, अगर आपका टैक्स एक रुपए का भी है तो भी आपका सेस एड होता ही होता है। इट मीन अगर मेरी इनकम 2.5 लाख तक है फिर तो मेरा टैक्स ही नहीं आएगा। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स यहां पर आना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स। तो प्लीज यहां पर इनकम की जगह टैक्स कर लेना कि भैया टैक्स मेरा जितना मर्जी निकल के आए, सेस हमारा हर केस में ऐड होगा। पहला जो थोड़ा एरर था वो ये वाला 47 क्वेश्चन में था। उसके बाद फिर सर आपका एक क्वेश्चन निकल के आएगा यहां पर 52 में, असेसमेंट ईयर 18-19 दिया हुआ है सर, उसको 19-20 कर लेना, क्योंकि जिनके एग्जाम दिसंबर में है उनके एग्जाम के लिए असेसमेंट ईयर 19-20 रेलिवेंट है, तो वो 19-20 कर लेना। और सेस आपका मेरे ख्याल से 4% है, आंसर बिल्कुल सही दिया हुआ है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं सर, मैं एक एक क्वेश्चन खुद रिव्यू कर रहा हूं ताकि मेरे बच्चों को कोई दिक्कत ना आए। तो प्लीज जहां जहां प्रॉब्लम्स होगी वो सारी मैं सोल्व कर दूंगा। प्लीज आपने डाउट्स आई विद्या डाउट्स पर भेजने हैं, ये मैसेज या कमेंट बॉक्स में मत डालना क्योंकि वहां पर मैं चेक नहीं कर पाऊंगा सर। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, मैं सिंगल सिंगल डाउट्स का रिप्लाई करूंगा, आप जीमेल आईडी पर अपने डाउट्स भेज देना। उसके बाद देखो जी, फिर मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपका निकल के आ रहा है एक आपका 57। अच्छा 57 में ना वो ये पूछ रहा है एग्जम्पशन लिमिट कितनी है, अगर वुमेन की एज 65 है तो यहां पर 65 की जगह ना आप 55 कर लेना, मतलब 55 ईयर यहां पर कर लो। और इसका आंसर मेरे ख्याल से 57 का दिया हुआ है, 57 का ना बी दिया हुआ है, तो 65 अगर एज होगी तो फिर तो 3 लाख होगा ना, तो यहां पर आंसर वो 2.5 लाख दिया है, तो 65 की जगह 55 कर लो, आंसर आपका 2.5 लाख आ जाएगा। तो आंसर में कटिंग मत करना, 65 को 55 कर लेना, फिर हमारा 2.5 लाख आएगा। अगर आपको आंसर में कटिंग करनी है तो 65 अगर एज है तो फिर आंसर आपका 3 लाख बनेगा, ठीक है जी। अगर आपने आंसर वो खुद सही कर लिया था फिर तो आंसर 3 लाख ही, हम सब जानते हैं। बट अगर आपने आंसर में अभी कुछ छेड़खानी नहीं की तो क्वेश्चन में 55 कर लो, आपका आंसर यहां पर 2.5 लाख बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन नंबर है 60। क्वेश्चन नंबर 60 के अंदर भी देखो वही सेम है, यहां पर आपका ना 65 दिया हुआ है, वो कह रहे हैं कि एग्जम्पशन लिमिट आपकी 2.5 लाख है अगर एज 65 है, तो इसका आंसर आना चाहिए फॉल्स, और मेरे ख्याल से आंसर दिया हुआ है ट्रू। तो अगर ये आंसर ट्रू रहेगा तब अगर यहां पर एज होगी 55, तो यहां पर भी 65 की जगह 55 कर लो। इट मीन अगर मेरी 55 साल की एज है, एग्जम्पशन लिमिट मेरी 2.5 लाख है, ये ट्रू है या फॉल्स है? बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि 55 साल में मुझे एग्जम्पशन लिमिट कितनी मिलती है सर, 2.5 लाख, तो यहां पर आंसर निकल कर आ जाएगा ट्रू। और अगर आपने आंसर में छेड़खानी करनी है तो फिर यहां पर आंसर करेक्ट जो बनेगा फॉल्स बनेगा, अगर आप एज 65 लेके चलते हो, ठीक है जी। हाँ जी सर, सर थैंक यू सो मच, आप ऐसे ऐसे हमारे क्लियर करते रहो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक बार फिर अगला डाउट यहां पर आ रहा है, फाइनेंस एक्ट 165 में, फाइनेंस एक्ट में ना एनुअल एक्ट विच अमेंडमेंट्स ऑफ इनकम टैक्स और सर्विस टैक्स लिखा है। अब सर्विस टैक्स तो खत्म हो गया, इसको हटाकर बस यहां पर जीएसटी लिख लेना सर। अब प्लीज यहां पर जीएसटी लिख लेना, अब यहां पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स आएगा, सिर्फ सर्विस टैक्स वर्ड यहां पर नहीं आएगा, ठीक है जी। उसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 89। अच्छा 89 में ना आपका आंसर ए यहां पर आ रहा है 1 लाख और 1,12,500 यहां पर दिया हुआ है, यहां पर ना 1,10,000 आएगा। 1,10,000 क्यों आएगा, क्योंकि देखो अगर आपका बर्थ है 39 में, अगर आपका बर्थ 39 में है फिर तो आप 80 साल के हो, अगर आपका 59 में है फिर आप हो 60 साल के। अब अगर आप 60 साल के हो, 10 लाख की इनकम है, तो आपका टैक्स निकल के आता है 1,10,000। तो प्लीज इस आंसर को चेक कर लेना, 1 लाख और 1,10,000 आंसर निकल के आएगा, 1,12,500 नहीं आएगा। सही कर रहे हो साथ साथ, यस सर अब हम सही कर रहे हैं, ओके जी। उसके बाद 89 हमारा हो गया जी। उसके बाद फिर आपका है ये रेजिडेंशियल स्टेटस पर आ जाओ, बाकी मेरे ख्याल से बेसिक कॉन्सेप्ट में और कोई दिक्कत नहीं है सर, हनी बेसिक कॉन्सेप्ट में सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन में दिक्कत थी, उसके अलावा किसी भी क्वेश्चन में आपको अभी भी दिक्कत आ रही है तो भैया iVidyaDoubts@gmail.com पर भेज दो, क्योंकि बाकी सारे आंसर सही हैं, मे बी आप कुछ करने में गलती कर रहे हो, तो प्लीज आप मुझे वहां पर भेज दो, मैं चेक कर लूंगा और आपको रिप्लाई कर दूंगा। अब अगला जो हमारा चैप्टर है रेजिडेंशियल स्टेटस, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 पर एक बार आ जाना, इफ द पोयम ऑफ इंडियन कंपनी इज होली आउटसाइड इंडिया। अच्छा इंडियन कंपनी की पोयम अगर सारी बाहर है
तो मैंने पहले भी कहा था इंडियन कंपनी हमेशा क्या बनेगी, रेजिडेंट बनेगी, तो आंसर इसका आएगा ए। और मेरे ख्याल से 18 का ना बी दिया हुआ है, बी, तो इसका आप आंसर कर लोगे ए, क्योंकि इंडियन कंपनी हमेशा रेजिडेंट होती है, हमने क्लास में डिस्कस किया था, इसका आंसर ए आएगा। उसके बाद फिर हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, यहां पर भी असेसमेंट ईयर 17-18 दिया हुआ है, उसको 19-20 कर लेना, और यहां पर 16-17 की जगह आप 18-19 कर लेना। आंसर बिल्कुल सही है, आंसर मेरे ख्याल से 22वें का डी दिया हुआ है ना, 22वें का डी, हाँ आंसर में कोई दिक्कत नहीं है सर, 16-17 की जगह 18-19 कर लेना और 17-18 की जगह 19-20 कर लेना, बाकी सारी बातें यहां पर सही दी है। उसके बाद फिर आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 पर जी। क्वेश्चन नंबर 27 में ना ये देखो यहां पर ना बी दो बार आ गया, ये बी और बी, वैसे यहां पर सी दिया हुआ है, बट ये बी, ये वाला जो बी है ना इसको एक काट देना, ये ऑप्शन नंबर सी है, और मेरे ख्याल से आंसर 27वें का बिल्कुल सही दिया हुआ है ना, आंसर 27वें का सी है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, सी आंसर है, बस ये सी थोड़ा सा इधर हो गया, तो सी आप इधर कर लेना, आंसर हमारा सी सही है जी। उसके बाद फिर आप यहां पर आ जाओगे क्वेश्चन नंबर 30 पर जी। अब क्वेश्चन नंबर 30 का ना आंसर दिया हुआ है बी, इंडियन ओरिजन, इसका आंसर आएगा फॉरन नेशनल, मतलब फॉरन सिटीजन, तो प्लीज यहां पर इंडियन सिटीजन आंसर नहीं है, इसका आंसर है फॉरन नेशनल, फॉरन सिटीजन, तो इसका आंसर सी कर लेना, 30वें का, 30 का आंसर सी कर लेना जी। उसके बाद देखो जी फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर दिया हुआ है ए और इसका आंसर आएगा बी, आंसर बी कमाएगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ो, वंस ए पर्सन इज रेजिडेंट फॉर ए सोर्स ऑफ इनकम इन एनी पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर, ही शैल बी डीम्ड टू बी रेजिडेंट फॉर द सेम सोर्स ऑफ इनकम ऑल द प्रीवियस ईयर। नहीं 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 नहीं, क्योंकि सर हर प्रीवियस ईयर के लिए स्टेटस अलग अलग निकालते हैं और हर प्रीवियस ईयर के बेस पे हम चेक करेंगे उसका मतलब साल का स्टेटस क्या होगा, तो वो कह रहा है कि अगर एक बार आप रेजिडेंट बन गए इस इनकम के लिए तो आने वाले हर साल में उस इनकम के लिए आप रेजिडेंट रहोगे, ये जरूरी थोड़ा है, ये तो झूठ बोल रहा है, तो इसका आंसर बी आएगा, गलती से आंसर ए उनसे टाइप हो गया तो आप इसका आंसर बी कर लोगे। उसके बाद देखो जी फिर हमारा क्वेश्चन है 61 में, यहां पर ना आपका ईयर दिया हुआ है, यहां पर ना 18-19 दिया हुआ है, 1,00,000 रुपए के प्रॉफिट जो 18-19 के है ना, यहां पर 16-17 कर लेना, 16-17 के प्रॉफिट है, आप 18-19 में इसको लेकर आ रहे हो, जो पहले टैक्सेबल नहीं हुए तो आप सब जानते हो वो किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होंगे, तो यहां 16-17 निकल कर आएगा, यहां 18-19 बिल्कुल सही है, और आंसर मेरे ख्याल से बी दिया हुआ है इसका, 61 का बी आंसर परफेक्ट है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है जी। उसके बाद चेक करो फिर यहां पर क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर आएगा, इसमें दिया हुआ है डी, बट द इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑफ एनी असेसी डिपेंड्स ऑन रेजिडेंशियल स्टेटस, ये हम सब जानते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस पर है, तो उन्होंने आंसर ए आना चाहिए था, टाइप हो चुका है डी, तो इसका आंसर ए इज परफेक्ट आंसर, आंसर डी है, उसको आप रेक्टिफाई कर लेना, आंसर डी हमारा सही आंसर नहीं है। उसके बाद मेरे ख्याल से हाँ अभी हो चुका है, अब अगला जी हाउस प्रॉपर्टी लास्ट चैप्टर हमारा, आज हम 3 चैप्टर करेंगे, ऐसे मैं डेली बेस पर डालता रहूंगा, इसके अलावा अगर कोई डाउट्स होंगे तो फिर आप जीमेल आईडी पर भेज देना, सारे डाउट्स का मैं रिप्लाई कर दूंगा। अच्छा अब यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 1, इफ इनकम इज फ्रॉम सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इट डिपेंड्स इट विल बी टैक्सेबल अंडर हेड, कैपिटल गेन में भी हो सकती है और बिजनेस में भी हो सकती है, तो इसका आंसर आएगा ए और बी एज द केस मे बी, और मेरे ख्याल से यहां पर ना बी और सी दिया हुआ था, तो आंसर तो इसका हाउस प्रॉपर्टी का दिया हुआ है डी, तो आंसर तो डी सही है, बस यहां पर ए और बी, मतलब कैपिटल गेन के अंदर भी जा सकता है, बिजनेस में भी जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस है या नहीं, अगर बिजनेस है तो फिर पीजीपी, और अगर बिजनेस नहीं है फिर वो कैपिटल गेन, क्योंकि सेल की इनकम है वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाती। उसके बाद देखो जी फिर अगला हमारा है 8वां, अच्छा 8वें का आ रहा है, इफ एसएससी इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ वेयर हाउसिंग इनकम इज टैक्सेबल अंडर हेड, यहां पर आएगा पीजीबीपी, तो इसका आंसर सी आएगा सर, तो मेरे ख्याल से आंसर इसका ना बी दिया हुआ शायद, तो इसका आंसर सी कर लेना, इसका हमारा आंसर निकल के आएगा पीजीबीपी का। उसके बाद फिर यहां पे चेक करो अगला मेरा है जी क्वेश्चन नंबर 46, अच्छा क्वेश्चन नंबर 46 में ना आप बच्चों का आंसर निकल के आ रहा होगा 96,000, ये निकल के आ रहा होगा ना, तो यहां पर ना डेट चेंज कर लो, क्योंकि 96 ऑप्शन में दिया हुआ नहीं हुआ, डेट चेंज में दिक्कत हो गई, यहां पर 15 लिखा हुआ है तो 15 को ना 16 कर लेना, अगर आप 15 को 16 कर लोगे तो आपका आंसर आएगा 84, और मेरे ख्याल से 46 का दिया भी सी दिया हुआ है, हाँ तो 84 हमारा सही बन जाएगा, तो प्लीज 15 को 16 कर लेना जी, 15 को 16 कर लेना, बाकी सब परफेक्ट है, आंसर हमारा सी 84 निकल कर आएगा। अभी इस आंसर में कोई दिक्कत आ रही है कि सर ये आंसर 84 हमसे नहीं निकल रहा, तो प्लीज आप मुझे जीमेल कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा आंसर निकला कैसे, वैसे इसके अंदर है कुछ नहीं, देखो आपको मैं बता दूं थोड़ा सा, यहां पर देखो एक साल का इंटरेस्ट 60,000, 2 साल का आएगा 1,20,000, तो ये तो हमारा हो गया प्री का,
और अगर प्री वाला कंस्ट्रक्शन वाला होता है तो 5 साल में अलाउड होता है सर। 120 डिवाइड बाय 5 24,000 और 60,000 हमारा उस साल का आएगा, तो 60 और 24 84,000 जो होगा वो हमारा आंसर निकल के आएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर 46 का सही है, बस यहां पर 15 की जगह 16 करना है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से आपका ये निकल के आ रहा है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है भैया, क्वेश्चन नंबर है ये आपका, एक बार ये क्वेश्चन नंबर मैं एक बार चेक करता हूं स्कैनर में से, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, पेज नंबर नीचे दिया हुआ है, एक मिनट रुको, ये हाउस प्रॉपर्टी का आपका क्वेश्चन नंबर है, एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर हाउस प्रॉपर्टी का आजा भाई, मैं स्कैनर लेके ही बैठा हूं सारा दिन सर, आपके लिए काम करते रहते हैं हम। क्वेश्चन नंबर ये मेरे ख्याल से है सर आपका, ये है, हाँ ये है जी क्वेश्चन नंबर 55, ये क्वेश्चन नंबर 55 है जी, क्वेश्चन नंबर 55 है, इसमें यहां पर ना 17 की जगह 18 आएगा, यहां पर 17 की जगह 18 आएगा सर, 17 की जगह 18 कर लेना, आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, आंसर मेरे ख्याल से इसका डी ही दिया हुआ है, 55 का आंसर डी है ना, हाँ परफेक्ट आंसर, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है सर, बस 17 की जगह 18 कर लेना चाहिए। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन है 68 का आंसर बिल्कुल सही दिया हुआ है बी, 68 का आंसर बिल्कुल सही दिया हुआ है बी, बट यहां पर ना वो 24 दो बार आ गया, अगर आपने देखा होगा ना वो 24 दो बार आ गया, तो यहां पे आपका 24 की जगह 25 कर लेना बस, बाकी सारा सही है, तो यहां पर 24 है, यहां 23 है, 22 यहां 25 कर लेना, बस ये चीज यहां पर आपको चेंज करनी है। उसके बाद फिर आपका एक क्वेश्चन है 79 का आपका आंसर दिया हुआ है मेरे ख्याल से, 79 का बी दिया हुआ है ना, तो इसका आंसर आएगा ए, देखो ना वो यहां पर कह रहे हैं ए इंडिविजुअल हु ट्रांसफर एनी हाउस प्रॉपर्टी टू इज और हर स्पाउस अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन और लाइव अपार्ट, इट मीन्स अगर मान लो मैंने हस्बैंड ने वाइफ का सेट ट्रांसफर की है तो उसका ओनर कौन माना जाता है, इंडिविजुअल मतलब हस्बैंड, तो इसका आंसर क्या निकल कर आएगा ए, तो ए आंसर करेक्ट है, आंसर मेरे ख्याल से बी दिया हुआ है, तो आप बी की जगह ए कर लेना जी। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 103 है जी, क्वेश्चन नंबर 103 में सेल्फ ऑक्यूपाइड में मैंने पढ़ा था, सेल्फ ऑक्यूपाइड में लिमिट क्या होती है इंटरेस्ट की, मैक्सिमम 2 लाख, तो पुरानी लिमिट हमारी 1.5 लाख थी, तो वो 1.5 लाख बाई चांस यहां पर आंसर नंबर 103 का ए दिया हुआ है, तो आंसर सी इज करेक्ट आंसर, सी हमारा ये निकल के आएगा क्वेश्चन नंबर 103। ठीक है जी, और एक बार क्वेश्चन नंबर 109 पर आओ जी, क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर दिया हुआ है ए, तो आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर आपको करना है 2012 1/1/2012 कर लेना, मैं दोबारा बोल रहा हूं 1/1/2012 कर लेना, इस डेट को ये 2012 निकल के आएगी, तो अगर आप यहां पर 2012 कर लोगे आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, 1,80,000 आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 में, क्वेश्चन नंबर 110 में यहां पर आएगा 31/1/2015 और यहां पर आएगा 1 जनवरी 2014, तो यहां पर आपने 2014 करना है और यहां पर 2015 करना है, ये डेट अगर चेंज करोगे तो आपका आंसर 1,51,200 रुपए, ये परफेक्ट आंसर आपका यहां पर निकल कर आ जाएगा। अगर आपका ये आंसर नहीं निकल रहा आप प्लीज मुझे जीमेल कर दो ividyadoubts@gmail.com पर, वहां पर मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा जी। ठीक है जी, तो यहां पर 14 कर लेना, यहां पर 15 कर लेना, आंसर हमारा सही है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, बस खत्म हो गए जी। लो जी बस ये प्रॉब्लम थी, देखो जी अब ये है, ये लगा लो कि कम से कम भी मतलब 500-600 क्वेश्चन में ना 7-8-9 क्वेश्चन में कहीं ना कहीं टाइपिंग एरर सर बाय चांस हो जाता है, क्योंकि देखो स्टाफ की भी गलती नहीं है, क्योंकि सर उसका काम क्या होता है वो टाइप करता रहता है, तो बाय चांस बी या डी हो गया, उसको नहीं पता उसका फर्क क्या पड़ेगा, फर्क मुझे पता है या फर्क बच्चों को पता है, तो उसकी गलती का आप टेंशन मतलब मैं आपके सारे डाउट्स का यहां पर रिप्लाई करूंगा, मैं चैप्टर वाइज यहां पर वीडियो अपलोड करूंगा जी, जहां 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 डाउट्स आ रहे हैं वो सारी वीडियो मैं यूट्यूब पर डालूंगा, और आपके जितने भी डाउट्स आ रहे हैं तो प्लीज आप मुझे अपना ividyadoubts@gmail.com पर भेज देना, सारे डाउट्स मैं आपके रिप्लाई कर दूंगा। तो ये वीडियो उन सब बच्चों के लिए थी जिन्होंने 7000 के एमसीक्यूज की बुक ली है, तो प्लीज आप जिन बच्चों ने बुक ली है वो प्रैक्टिस करते रहे सर, बहुत सारे एमसीक्यूज दिए हुए हैं और इवन बहुत सारे मैं मॉक टेस्ट भी डाल रहा हूं, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आपके बढ़िया मार्क्स आएंगे, और अगर आपने ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया ना सर, इससे बाहर पेपर नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी है।
तो प्लीज 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 आपने प्रैक्टिस करनी है एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। बस मैं ये वीडियो बनाने के लिए आया था ताकि मेरे सारे बच्चों के डाउट्स खत्म हो जाए कि हम डाउट्स कैसे लेंगे। तो टेंशन मत लो सर, आपका भाई यहां पर बैठा है, जब तक आपका भाई यहां पर है आपको सिंगल डाउट लेने की जरूरत नहीं है, आपके मन में डाउट्स होना ही नहीं चाहिए, सारे डाउट्स मैं अपने खत्म कर दूंगा, बस ये बात ध्यान दो, ठीक है जी। चलो जी फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय जी।